नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप सभी को आरआरबी के सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सभी स्टेज के बारे में कई डाउट्स हैं, तो आपके इन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और लगभग सभी का रिप्लाई भी करते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम आपको एक बेहतर स्टडी का एनवायरनमेंट दे सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहां आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते हैं कि इस बार रिटर्न एग्ज़ाम दो स्टेज में हो रहा है। ये पहला मौका है जब ये दो स्टेज में करवाया जा रहा है। इससे पहले ये सिंगल स्टेज में एग्ज़ाम होता था। इसमें रेलवे ने स्टेज वन के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क रख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाई मार्क लाएगा उसे CBT 2 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क पाने वाले को स्टेज टू में बुला ही लिया जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के मार्क के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनेगी और उसी के आधार पर बुलाया जाएगा। सपोज कि बच्चों के मार्क क्वालिफाई मार्क से कम हुए तो क्या होगा? तो दोस्तों, रेलवे ने नोटिफिकेशन में पहले ही संकेत दिए थे कि क्वालिफाई मार्क्स घटाए जा सकते हैं, यानी अगर उन्हें सफिशियंट कैंडिडेट नहीं मिले तो वे मार्क घटा देंगे। तो ये देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ दिया हुआ है। चलिए, ये प्रोविजन तो रखा है उन्होंने, बट लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि मेरे इतने मार्क्स हैं सर, इस डेट मेरा एग्ज़ाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या घटेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी को नहीं पता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी नहीं। हर स्टूडेंट जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो अपना हार्ड बता रहा है। तो ये डाटा अगर वाकई में किसी के पास है तो वो है RRB बेंगलोर। जी हाँ, शायद आप लोगों को पता ना हो, बट फिलहाल सारा काम बेंगलोर में ही चल रहा है। हालांकि RRB का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, बट TCS कंपनी को CBT 1 और CBT 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जिम्मा मिला हुआ है और वो बेंगलोर बोर्ड के साथ काम कर रही है। तो अगर वाकई में कोई जानता है तो वही जानते हैं, इसलिए आप किसी पर भरोसा मत करें, नॉर्मलाइजेशन होने दें, उसके बाद खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि मार्क्स ज़्यादा लोगों के बढ़े या घटे हैं। देखिए, बताने के तो हर कोई बता देगा इतने पे हो जाएगा इतने पे नहीं होगा, बट मैटर ये करता है कि बताने वाले के आइडिया का पॉइंट क्या है, उसकी उस फील्ड में नॉलेज क्या है और उसे एक नोटिफिकेशन की लाइन से वो कितना कुछ आपको समझा पाता है। जैसे अभी कट ऑफ की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ बताया है, बट सच्चाई ये है कि 2014 तक किसी को कट ऑफ का पता लगती ही नहीं थी। केवल कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में पता लगता था, उसमें भी ओवरऑल नंबर जोड़ के बताया जाता था, जिसमें ALP के बच्चों को रिटर्न के मार्क्स तो कभी पता लगते ही नहीं थे। जी हाँ, टेक्नीशियन के स्टूडेंट को ज़रूर पता लगते थे, वो भी तब जब वो DB पास कर लेते थे, और वो भी सिर्फ ये कि इतने नंबर से ऊपर वालों को मेडिकल में बुलाया जा रहा है और आगे सिर्फ मेडिकल में जाने वाले बच्चे ही जान पाते थे। पर आप अपने मार्क्स को कोई नहीं जानता था। किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछोगे तो वो अपना मार्क्स आपको कभी नहीं बता पाएगा, और अगर बताता है तो आगे आप खुद समझदार हैं। आप लोगों की जोन वाइज कट ऑफ बता दी जाती है, आप आसानी से भरोसा कर लेते हो, वो भी एक दो नहीं, हर जोन की एग्जैक्ट कट ऑफ। तो आपको कट ऑफ पूछने वाले स्टूडेंट्स को बस मेरा यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन होने दें, ऑब्जेक्शन होने दें, आइडिया मिल जाएगा, तब तक परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। दोस्तों, NTPC के बाद ये पहला मौका होगा जब हम कट ऑफ पता लगेगी।
वो भी CBT 1 से ही। दोस्तों वैसे तो आज के वीडियो में हमने आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हर क्वेरी का ध्यान रखते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें, नेक्स्ट टाइम में हम फिर आएंगे कुछ ऐसे ही सवालों के लेकर। थैंक्स फॉर कमिंग।